दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है महाराष्ट्र 24 के आरोग्य मंत्रा में। देश में मंकी पॉक्स का खतरा बढ़ता जा रहा है। 70 से अधिक देशों में यह वायरस फैला है। भारत में मंकी पॉक्स के अब तक 9 मरीज मिल चुके हैं, जिसमें से एक मरीज की मौत हो चुकी है। देश की राजधानी दिल्ली में मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग एक्शन में आ गया है। देश में मंकी पॉक्स का यह चौथा मामला है। इससे पहले भारत में मंकी पॉक्स के जो 3 मामले मिले थे, वे सभी केरल के थे। फिलहाल भारत में मंकी पॉक्स बीमारी धीरे धीरे फैल रही है। ये बीमारी समाज के लिए खतरा ना बने और इससे कैसे बचा जा सके, इसके बारे में शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक में प्रैक्टिस कर रहे डॉक्टर अतुल तेलरांदी जी हमें आज इसके बारे में अधिक जानकारी देंगे। ऐसे मंकी पॉक्स जैसे धीरे धीरे देश में फैल रहा है, तो ये मंकी पॉक्स क्या है और ये मंकी पॉक्स का कोई टीका है? जी, जैसे आपने क्वेश्चन किया मंकी पॉक्स, तो नाम में ही आंसर आ गया, मंकी और पॉक्स। जैसे आपने सुना होगा पहले स्मॉल पॉक्स हुआ करता था, चेचक की बीमारी, ठीक है, तो ये उसी प्रकार से। या आपने चिकन पॉक्स भी सुना होगा। सो दीज आर वायरल इन्फेक्शंस, ये सारे वायरल इन्फेक्शंस हैं जिनमें वायरल के जैसे, फ्लू के जैसे ही फीवर आता है। लेकिन बिकॉज इसमें स्पेसिफिसिटी आपको दिखेगी कि इट विल बी ओनली स्किन के ऊपर आपको रैशेस नज़र आएंगे, बड़ी बड़ी रैशेस नज़र आ सकती है, ब्लिस्टर्स या पुस्चूस फुंसी जैसा आपको छोटे छोटे ब्लिस्टर्स दिखाई दे सकते हैं। बेसिकली ये ब्लिस्टर्स आते हैं स्किन पर और हाथ की स्किन, पैर की स्किन, फेशियल स्किन या फिर आपके ट्रंक पे या फिर जेनिटल ऑर्गन्स के आसपास भी आपको ये जो ब्लिस्टर्स या पुस्चूस है, फुंसियाँ नज़र आ सकती है और उनमें कभी कभी आपको फ्लूइड भरा हुआ मिल सकता है। तो इस प्रकार का जो डिसीज़ है वो मंकी पॉक्स कहलाता है, स्मॉल पॉक्स के जैसा ही होता है। लेकिन पहले ये मंकीज़ में पाया गया था, लैब में कुछ प्रैक्टिकल के लिए और कुछ एक्सपेरिमेंट्स के लिए गिनी पिग के तौर पर मंकीज़ उन्होंने रखी थी, उन मंकीज़ में पाया गया था, इसलिए वहाँ से आया मंकी पॉक्स ये वर्ड। एक्चुअली ये एनिमल्स में फैलने वाली बीमारी है। अफ्रीका, मिड एंड वेस्टर्न अफ्रीका में ये पाई गई थी और वहाँ से एनिमल्स के जरिए ह्यूमन बींग्स में आई है, इसलिए इसका नाम मंकी पॉक्स रखा गया। तो ये मंकी पॉक्स का जो पहला चरण है वो कैसे दिखता है? देखिए, मंकी पॉक्स बाकी फ्लू जैसा ही होगा। देखो, एक्सपोजर के बाद, वायरस से एक्सपोजर के बाद 1 से 3 हफ्तों में ये बीमारी अपना रूप दिखाना शुरू कर देती है और उसमें शुरू में फीवर आता है और फीवर डेवलप होने के बाद 1 से 3 दिन में या फिर उससे अधिक दिनों में रैशेस डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। शरीर के ऊपर लाल लाल चक्कर या रैशेस आएगी। दूसरी बात, ब्लिस्टर्स आएंगे, जैसे अपने चिकन पॉक्स में देखे होंगे, वो छोटे छोटे ब्लिस्टर्स आएंगे, उनमें फ्लूइड भर जाएगा। फिर थ्रोट कंजेशन, राइनाइटिस, सर्दी, खांसी, सर दर्द, बदन दर्द, बाद में गले में खराश आना, ठंडी लग के फीवर आना, फीवर विथ चिल्स, वीकनेस, टायर्डनेस, ऐसे अलग अलग लक्षण आपको जैसे बाकी फ्लूज में मिलते हैं वैसे ही मंकी पॉक्स में नजर आते हैं। जी, तो ये मंकी पॉक्स जो बीमारी है कितने समय तक रहती है? देखिए, एक बार इन्फेक्शन होने के बाद, रैश आने के बाद, जब तक वो रैश पूरी तरह जाती नहीं है तब तक मंकी पॉक्स ऐसा समझ के चले, यूजुअली 15 दिन से 1 महीना तक ये बीमारी शरीर में रहती है, अपने आप से ठीक हो जाती है। वायरल है, फ्लू है, अपने आप से ठीक होती है। लेकिन कुछ मरीजों में, कुछ पेशेंट्स में आपको ट्रीटमेंट की आवश्यकता लेनी पड़ सकती है और आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ सकता है और कुछ पेशेंट्स में ये बीमारी गंभीर रूप धारण करके सीरियस होकर पेशेंट की डेथ तक हो सकती है। तो इस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है, इसकी सावधानियां किस तरह से? देखिए, बाकी फ्लूज के लिए जैसे कोविड हो गया या हमने अपना स्वाइन फ्लू की बात की है और अदर फ्लू, चिकन पॉक्स जैसे पहले स्मॉल पॉक्स वो तो इरेडिकेट हो चुका है, इन सब की हमने बात की है, तो इनसे बचने के लिए प्रिकॉशंस के साथ साथ वैक्सीनेशन भी है। स्मॉल पॉक्स का वैक्सीनेशन पहले हुआ करता था, बाद में वो 1975 के बाद वो इरेडिकेट हो गया, 78-86 के बाद वो पूरी तरह इरेडिकेट हो गया, तो उन्होंने बंद कर दिया। लेकिन सेम वैक्सीनेशन कैन बी यूजफुल फॉर मंकी पॉक्स, और मंकी पॉक्स का स्पेसिफिक सेपरेट वैक्सीनेशन भी अवेलेबल है। वो वैक्सीनेशन, स्पेसिफिक वैक्सीनेशन के तौर पे अगर किया जाता है तो मंकी पॉक्स कैन बी प्रिवेंटेड, जिसकी इम्यूनिटी शरीर में रहेगी। इसके अलावा बाकी फ्लूज के लिए हम लोग जो भी प्रिकॉशंस लेते हैं कि आपकी इम्यूनिटी को आप डेवलप करके रखें, यूजुअली अगर आपको इस प्रकार के सिम्टम्स जो हमने अभी भी डिस्कस किए वो आते हैं वायरस के, तो आप स्क्रीनिंग के लिए जाए, आपका स्क्रीनिंग होगा, डॉक्टर आपको डायग्नोसिस करेंगे, जो पुस्चूस वगैरह है तो उसमें से स्वैप लेंगे वो और वो लैब में भेजेंगे, लैब में RT-PCR होके फिर वायरस को स्क्रीन किया जाएगा कि ये मंकी पॉक्स का वायरस है क्या।
इन्फेक्टेड पर्सन को आइसोलेट करके रखा जाए, उस व्यक्ति के संपर्क में अगर कोई दूसरा व्यक्ति आता है, जैसे उसके ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से या रेस्पिरेशन के कांटेक्ट में आता है, या फिर उसकी बॉडी में जो पुस्टुल्स है या फिर जो ब्लिस्टर्स है वो फूटने के बाद उसका जो लिक्विड नीचे गिरा हुआ इन्फेक्टेड उसके कांटेक्ट में पेशेंट आ जाता है, या फिर उसने यूज़ की हुई सर्फेसिस या फिर यूज़ की हुई चीज़ों को वापस रीयूज़ किया जाता है, या क्लोज फिजिकल कॉन्टैक्ट के साथ आता है, तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये जा सकता है। तो इसको आप प्रिवेंट करें कि इन्फेक्टेड पर्सन को आइसोलेट करें और उसको ठीक होने तक उसके कॉन्टैक्ट में ना जाए, ये सावधानी आपको बरतनी है। डॉक्टर, जैसे अभी देश में इसके 9 मरीज मिले हैं और एक मरीज की डेथ हो चुकी है, तो लोगों ने इस बीमारी को कितनी गंभीरता से लेना चाहिए? देखिए, वायरल इन्फेक्शंस में, फ्लूज में डेथ पॉसिबल है अगर पेशेंट कॉम्प्लिकेशन में लैंड करता है। अगर उस पेशेंट की पर्टिकुलर इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, जो लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग हैं खासकर, या फिर जो लोग यूजुअली लो इम्यूनिटी वाले हैं, उन लोगों को हर बीमारी से सावधान रहना पड़ेगा। जैसे हमने चिकन फ्लू अपना कोविड की बात की, स्वाइन फ्लू की बात की, कोविड के बाद स्वाइन फ्लू के बाद अभी हम मंकी पॉक्स की बात कर रहे हैं। तो सीवियरिटी मंकी पॉक्स ही उस कंपैरिजन में, स्वाइन फ्लू के कंपैरिजन में, कोविड के कंपैरिजन में कम है। कोविड फैलता ज़्यादा था लेकिन उसका डेथ रेट एज कम्पेयर टू स्वाइन फ्लू कम था। स्वाइन फ्लू उतना ज़्यादा नहीं फैलता लेकिन परसेंटेज ऑफ डेथ ज़्यादा है। उस कंपैरिजन में ये मंकी पॉक्स उतना सीरियस नहीं है, बट अगर ये कोई भी वायरस है एक बार फैलने लग गया तो बाद में उससे म्यूटेशन हो जाते हैं। मास अगर उसके कॉन्टैक्ट में आ गया, बहुत बड़ी पॉपुलेशन का अगर वो इन्फेक्शन हो गया, तो फिर वायरस म्यूटेशन करता है। जब वायरस म्यूटेशन करना शुरू कर देता है तब वो डेंजरस हो जाता है, इसलिए उसको यही रोक लेना ज़रूरी हो जाता है। तो डेंजरस तो है, अभी गवर्नमेंट जो हेल्थ सर्विसेज है और जो सेक्टर है उन्होंने उसको यही कहीं रोकने की, रोकथाम करने के लिए कोशिश की, लेकिन हम लोगों का भी कर्तव्य है कि हमें डायग्नोसिस करके पेशेंट को आइसोलेट करके ठीक कर देना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ना फैले। और ख़ासकर जानवरों से फैलने वाला है तो इन्फेक्टेड एनिमल्स को भी स्क्रीन करना ज़रूरी है, क्योंकि जानवरों से अफ्रीका से वो यूके यूएस ऐसी जगहों पर पहुँचा है और वहाँ से फिर इंडिया, यानी अक्रॉस द ग्लोब वो फैल जाता है। सो इन्फेक्टेड एनिमल्स से भी बचने की ज़रूरत है, वहाँ से भी जनरली माइट्स हो गए या माइसेस हो गए या फिर रोडेंट्स ये जो होते हैं ना, चूहे वगैरह, उनसे भी वो फैलता है। भले उसका नाम मंकी पॉक्स है, वो मंकीज़ के कारण ही उसको मंकीज़ में पाया गया था, इसलिए मंकी पॉक्स हो जाता है। कोई भी एनिमल उसमें इन्फेक्ट हो सकता है। सो एनिमल्स के साथ क्लोज कॉन्टैक्ट ना रखें। जी, जैसे कोविड 19 के बाद जैसे स्वाइन फ्लू आया, उसके बाद फिर चिकन पॉक्स, फिर मंकी पॉक्स, ये सारी जो बीमारी है ये जानवरों के थ्रू ही क्यों फैल रही है, क्या कारण हो सकता है इसका? देखिए, उनका जो इंक्यूबेशन है या फिर उनका जो जनन है वो जानवरों में हो रहा है। अब जानवरों के कॉन्टैक्ट में कोई आ गया है, पर्टिकुलर ह्यूमंस, तो उनको इन्फेक्ट हो जाती है। एड्स का भी ऐसे ही था, HIV एड्स का भी, तो उनसे उनके ह्यूमंस में आ गए, और एक बार ह्यूमंस में आ गई तो फैलने लग गई। तो जानवरों में तैयार हुआ ह्यूमंस उसके कांटेक्ट में आए, ट्यूबरक्लोसिस, बोवाइन ट्यूबरक्लोसिस जानवरों से फैलता है। सो जानवरों के संपर्क में जाते समय लोगों को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए इस बात का कि वहाँ से कोई बीमारी कैरी ना करें और उतनी हाइजीन आप मेंटेन करें। बिल्कुल, जैसे भी आपको तो पता है कि कोविड 19 के आने के बाद में जो भी बीमारी उसके बाद में आई, जैसे कि स्वाइन फ्लू है, मंकी पॉक्स है, वो सारी बीमारी आने की वजह से लोगों में जो डर बैठ गया है, उस डर को किस तरह से मिटाया जा सकता है, इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? डर को मिटाने के लिए सबसे पहली चीज़ है कि आप कन्फर्म हो जाइए कि आपको क्या हुआ। सबसे पहले तो आप अपनी इम्यूनिटी को इम्प्रूव कीजिए, आपके लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कीजिए, डाइट अच्छे से लीजिए, मेडिसिन अगर आप लेते हैं तो वो मेंटेन कीजिए। आपको अगर शुगर है, BP है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है और कोई बीमारी है, उसको आप मेंटेन रखिए तो आपकी इम्यूनिटी मेंटेन रहेगी। आपका लाइफस्टाइल मॉडिफाई कीजिए तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैं इम्यून हूँ, मुझे कोई भी बीमारी अगर हो भी जाए तो ठीक हो जाएगी। क्योंकि वायरसेस में आपने देखा, कोविड हुआ पहले लोगों को ठीक भी हुए, तो उनको किसी मेडिसिन ने ठीक नहीं किया, तो वो खुद की इम्यूनिटी से ठीक हुए। मंकी पॉक्स का भी ऐसा ही है कि वो खुद ही से ठीक हो जाएगा। डॉक्टर्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे और कुछ एंटीवायरल ड्रग्स वो ऐड कर सकते हैं। तो लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा, बट अपनी इम्यूनिटी को मेंटेन रखिए और अननेसेसरी इसको घर मत लाइए। देखिए, अगर स्क्रीनिंग हुआ है तो ठीक है, आपको तो पहले से लेबल लग के नहीं आएगा पेशेंट की मंकी पॉक्स का है। आपको अगर ऐसे साइंस एंड सिम्टम्स जैसे अभी हमने बताया कि ब्लिस्टर, चिकन पॉक्स जैसे, या फिर स्मॉल पॉक्स तो पुराना हो गया, चिकन पॉक्स जैसे अगर आपको ब्लिस्टर्स या फिर पुस्टुल्स, इस काइंड के रैशेस और फीवर, वो सारी चीज़ें फ्लू की दिख रही है, तो पेशेंट को आइसोलेट कीजिए, उसको ठीक कीजिए, उसको स्क्रीन कीजिए, सो दैट वो दूसरी पब्लिक में ना फैले। जी, जब डॉक्टर, एक लास्ट सवाल है कि मंकी पॉक्स जो बीमारी है वो शरीर के कौन से अंगों को ज़्यादा घातक है?
देखिए, जैसे कि हमने हमने कोविड की बात की थी, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे अटैक करता है, ये भी रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला ही वायरस है। यूजुअली वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के सिम्टम्स दिखाता है, तो वही रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में जा सकता है। तो सेम ऑफ स्वाइन फ्लू भी था, तो अटैक उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम पे ही ज़्यादा है, लेकिन अदर जो सिस्टम है उस पर भी उसका अटैक हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर रेस्पिरेटरी सिस्टम के ही सिम्टम आपको दिखाएगा। और स्किन स्किन के ऊपर रैशेस लाता है, खासकर जेनिटल एरियाज की स्किन, तो इनके ऊपर उसका अटैक ज़्यादा नज़र आता है। सो आपको आपके ये ऑर्गेन्स स्टैक पे आ सकते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए इन्फेक्टेड ना होने के लिए। जी धन्यवाद डॉक्टर अतुल, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है मंकी पॉक्स के बारे में, अपने अधिक जानकारी लोगों तक पहुँचाई है, इसका निदान भी डॉक्टर अतुल ने आपको बताया है। ऐसे ही जो बीमारियां है उसको सोल्यूशन को लेकर हम अगली बार डॉक्टर से फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक आप देखते रहिए महाराष्ट्र TV24 की आगे की महत्वपूर्ण खबरें। 77 वर्षों से आयुर्वेद की सेवा में अग्रसर शिवशंकर आयुर्वेदिक एजेंसी अनुभवी वैद्य एवं डॉक्टर द्वारा जटिल एवं जीर्ण रोगों पर विशेष आयुर्वेदिक उपचार उपलब्ध। सभी प्रतिष्ठित कंपनियों की दवाइयों तथा सभी प्रकार की काश औषधियां, दिव्य वन औषधि, जड़ी बूटियां तथा अनेक पाउडर मिलने का विश्वस्तरीय स्थान। हमारे यहाँ श्री बालाजी तांबे, श्री स्वागत जी तोड़कर, धनंतवरी फार्मेसी, धूत पापेश्वर, बैद्यनाथ सांडू, व्यास पुंजा, रसशाला पुणे, डाबर चिरायु, मधु डायबिटीज, चूर्ण, हिना पैक, शिकाकाई मसाला, फेस पैक आदि सभी प्रतिष्ठित कंपनियों की आयुर्वेदिक दवाइयां उपलब्ध है। हमारा पता शिवशंकर आयुर्वेदिक डॉक्टर मंगला केतकर हॉस्पिटल के सामने, महाजन मार्केट के पास, टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर।